Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. सो हेलो गेमर्स, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भाइयों का आप ही के अपने छोटे से यूट्यूब चैनल गेमिंग एरिया के अंदर। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे 1.3.0 के अपडेट के बहुत ही कमाल के न्यू फीचर जो यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। गाइस मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अभी तक यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स है जिनको आप लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देखा होगा, तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को शुरू से लेकर अंत देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड गाइस मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप जो 5 मिनट या फिर 2-4 मिनट इस वीडियो के अंदर यूज कर रहे हो आपके टाइम बिल्कुल भी यहाँ पे वेस्ट नहीं होने वाला। तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को शुरू से लेकर अंत देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है, काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आज के कुछ बहुत ही कमाल के 1.3.0 के अपडेट के बारे में। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आज के फर्स्ट अपडेट के बारे में। तो बेसिकली गाइस ये जो अपडेट होने वाला है आप लोगों के लिए यहाँ पे एक एरिना का अपडेट होने वाला है। आप लोगों को यहाँ पे एक न्यू टीडीएम मोड देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी ऑसम टीडीएम मोड आप लोगों के लिए यहाँ पे आने वाला है। मे भी दोस्तों अभी तो उसका नाम यहाँ पे कोड सी रखा गया है, जैसे कि आपको पता है बेटा वर्जन है, तो बाद में जाकर इसका नाम जो यहाँ पे इसी तरीके से चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड गाइस अगर हम बात करें टीडीएम मोड के बारे में, तो गाइस काफी ऑसम टीडीएम मोड जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बिकॉज अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स के बारे में, अगर हम बात करें एयरप्लेन के बारे में, तो गाइस काफी कमाल का लग रहा है। एंड गाइस थोड़ा बहुत यहाँ पे ये सीओडी मोबाइल जो है उससे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। एंड गाइस देख लीजिएगा यार क्या कमाल का इसका लुक जो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों आप लोग को यहाँ पे जो हाइडिंग प्लेसेस होती है, लाइक आपको छुप के मारना होता है ना, उसके लिए दोस्तों आप लोग को बहुत सारी जगह यहाँ पे मिल जाती है। प्लस दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी और भी गन्स को ऐड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग यहाँ पे। जैसे कि दोस्तों आप लोग को यहाँ पे एक चीज के बारे में पता होता है कि यार वैसे तो हमारे पास कार 98 होती है या फिर दोस्तों हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल तरीके से M24 होती है, लेकिन गाइस सर इस वाले एक अपडेट के अंदर आप लोग को यहाँ पे इन गन के साथ साथ SKS भी हो जाएगी। लाइक आप लोग के यहाँ पे नॉर्मल तरीके से SLR हो गई, वो भी गन आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, ताकि दोस्तों आप लोग यहाँ पे अच्छे से काफी अच्छी प्रैक्टिस जो है आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। प्लस दोस्तों अगर हम बात करें इसके पूरे कंप्लीट तरीके से लुक के बारे में, तो गाइस लुक भी आप लोगों के लिए यहाँ पे काफी कमाल का, गाइस काफी ऑसम यहाँ पे बनाया गया है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, लाइक हवा में चिड़िया उड़ रही है, आप लोग को यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे शो हो रही है। तो गाइस सर आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आज के सेकंड अपडेट के बारे में। तो का सेकंड जो अपडेट है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे आने वाला है कारिकन मैप के अंदर। जी हाँ दोस्तों, कारिकन मैप के अंदर भी आप लोग को यहाँ पे 5 से 6 न्यू अपडेट देखने को मिलने वाला है। एंड ऑब्वियसली बात है कारिकन मैप तो वैसे भी पूरा यहाँ पे नया ही होने वाला है। तो क्या उसके अंदर आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग को एक बहुत ही कमाल का यहाँ पे स्टिक बॉम्ब का फीचर जो है यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, करना क्या है आपको, बस स्टिक बॉम्ब को उठाना है। एंड गाइस ध्यान रखिएगा, ये जो स्टिक बॉम्ब है जो ईटो वाली दीवार है वहीं पर ही वर्क करेगा, ऐसा नहीं कि आप लोग कहीं पर भी इसका यहाँ पे यूज कर दो। एंड गाइस जैसे आप इस दीवार पर क्लिक करोगे एंड जैसे आप दीवार पर एम करते हो, तो एम करने के बाद दोस्तों आपका जो दीवार होगी इस तरह से यहाँ पे फूट जाएगी। गाइस यार एनिमेशन जो है अभी तो काफी अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है आपको पता है बेटा वर्जन है, तो ऑब्वियसली बात है एनिमेशन अभी यहाँ पे काफी अच्छा नहीं रखा गया। थर्ड हम बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे ये बहुत ही ऑसम फीचर के बारे में कि भाई अगर हम दीवार पे गोली मारते हैं तो गाइस दीवार में यहाँ पे छेद हो जाएगा एंड गाइस वो छेद जो है यहाँ पे दोबारा ठीक नहीं होगा। तो गाइस सबसे अच्छी बात तो मुझे यहाँ पे ये लगती है, अगर एनिमी जो है दीवार के पीछे खड़ा है तो गाइस हम पूरी दीवार को यहाँ पे तोड़ सकते हैं एंड उस एनिमीज का यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे किल करते हैं। तो गाइस ये जो फीचर है आप लोग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फोर्थ फीचर के बारे में जो आ रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पे, भाई बहुत ही कमाल का फीचर। जी दोस्तों, उसके अंदर बेसिकली आप अंडरग्राउंड यहाँ पे जा सकते हो। आपको पता है कार्यक्रम मैप के अंदर आप लोग को यहाँ पे एक ब्लैक जोन देखने को मिलने वाला है, जो आपको पता है कि भाई अगर किसी भी घर में गिरेगा ना वो जो बम जो भी होता है एयर ड्रॉप जो हवा से गिरता है, अगर वो किसी भी घर में गिरता है तो पूरा घर जो यहाँ पे वो टूट जाएगा। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे अंडरग्राउंड जा सकते हो, अंडरग्राउंड जाने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे बच सकते हो। प्लस ये जो मैप है दोस्तों आप लोगों के लिए काफी छोटा मैप होने वाला है, तो आप चाहो तो रैंक पुश करने के लिए यहाँ पे इधर जाके छुप भी सकते हो, ठीक है। तो गाइस चलिए बात करते हैं आप लोगों के यहाँ पे न्यू फेवरेट फीचर के बारे में जो आ रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पे, भाई ग्लाइडर फीचर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे एक न्यू ग्लाइडर भी देखने को मिलने वाला है। अब आई डोंट नो गाइस एंगल के अंदर डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा, लेकिन यार मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस कि अगर एंगल के अंदर डालते हैं तो शायद एक इवेंट के अंदर डाला जाएगा या फिर दोस्तों कंप्लीट तरीके से ये पिलोट मोड की तरह बनाया जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी मेरे को यहाँ पे नहीं मिली है। तो गाइस देख लीजिएगा, इसको उड़ाना दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही हार्ड है। जी हाँ दोस्तों, परफेक्टली आप लोग को यहाँ पे काफी अच्छा प्लेस इसको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। एंड गाइस इसको उड़ाने के बाद अगर मान लीजिए आप उसमें गिरते हो, तो भाई आप लोगों को बहुत ज्यादा लेवल का डैमेज भी यहाँ पे हो सकता है। पर यार ऑब्वियसली बात है काफी अच्छा फीचर जो आप लोगों के लिए यहाँ पे डाला जा रहा है। एंड उससे भी अच्छी बात गाइस मुझे यहाँ पे ये लगती है कि आप लोग चाहो तो एनिमीज के ऊपर भी यहाँ पे अपने ग्लाइडर्स को उतार सकते हो, आपका एनिमी भी यहाँ पे तरीके से यहां पे किल हो जाएगा। तो गाइस चलिए बात करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक और न्यू अपडेट के बारे में जो आने वाला है आप लोगों के लिए यहाँ पे, पैंजर फास्ट गन। जी हाँ दोस्तों, ये जो गन है लाइक इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे एक ही एमओ मिलने वाली है। एंड गाइस सोच समझ के चलाइएगा, बिकॉज अगर आपको एक एमओ को यूज कर देते हो उसके बाद दोस्तों आप लोग इस गन को फेंक दीजिएगा, बिकॉज आप लोग को दोबारा ये जो गन है यहाँ पे नहीं मिलने वाली। तो गाइस सर ये थे मेरे पास आप लोगों के लिए यहाँ पे आज के कुछ अपडेट्स। मे भी दोस्तों आप लोगों ने कुछ अपडेट्स को देख रखा होगा, मे भी दोस्तों आप लोगों ने कुछ अपडेट को नहीं देख रहा होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए यहाँ पे और भी न्यू अपडेट जो यहाँ पे लेके आता हूँ, ताकि आप लोग
को यहाँ पे अपकमिंग जो अपडेट है 1.3.0 उसके बारे में अच्छे से यहाँ पे जानकारी हो जाए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।